हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, मैंने ये नहीं कहा कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को कौमी क्रिकेट टीम से दूर रखें, बल्कि वकार यूनस ने हैरान कन बात कह दी। दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग भी उमर अकमल और अहमद शहजाद के चाहने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट रोज़गार को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनस ने कहा, मैंने उमर अकमल और अहमद शहजाद को कौमी टीम से दूर रखने का नहीं बल्कि इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मशवरा दिया। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों की जानब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वकार यूनस ने कहा, रिपोर्ट उठाकर देख लें, मैंने दोनों के बारे में कभी नहीं लिखा कि इन्हें कौमी क्रिकेट टीम से दूर रखें, बल्कि मेरा मशवरा था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं और माइंडसेट तब्दील करने के लिए काम करें। दोस्तों, इन्होंने कहा, अब अगर दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल पेश कर रहे हैं तो इनको मौका क्यों ना दिया जाए। दोस्तों, ये मेरी या किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की टीम है। जो खिलाड़ी भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए इसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, क्या उमर अकमल और अहमद शहजाद को कौमी टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब कॉमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।